हेलो बच्चों कैसे हैं आप मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में तो बच्चों जैसा कि आपको पता है हमारा अध्याय चल रहा था कौन सा हमारा अध्याय चल रहा था शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण तंत्र तो इसमें हमने चर्चा कर ली थी पिछले लेक्चर में हमारी पिछली कक्षा में हृदय के आंतरिक भाग के बारे में व हृदय के बाहरी भाग के बारे में जो आवरण था उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करेंगे हृदय के संरचना के बारे में कि हृदय की संरचना किस तरह से होती है और कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं जो हृदय के अंदर उपस्थित होते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं लेकिन आज हम क्या डाउन कर रहे हैं हमारा स्ट्रक्चर हम देखते हैं संरचना को तो आइए बात करते हैं हम हृदय की संरचना के बारे में देखिए आपको एक यहां सुंदर सा डायग्राम नजर आ रहा है

गुजर के निकलता है वो चीज आपको इस डायग्राम में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी चलिए तो शुरुआत करते हैं हम देखिए जैसे कि हमने बात करी थी जो हमारा हृदय है कैसा है प्रवृत्ति का है प्रवृत्ति का नहीं सॉरी मानसल होता है ठीक है मानसल हृदय है साथ ही साथ ये कैसा है त्रिकोणाकार आकृति का होता है ठीक फोर चैंबर हार्ट है ये हमने पढ़ा था इसमें चार कक्षीय उपस्थित होते हैं कौन कौन से कक्ष है लेफ्ट एट्रियम सॉरी राइट एट्रियम फिर लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आई बात समझ में चलिए अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले कि हमारा एट्रियम वाला भाग कौन सा होगा तो देखिए यहां पर ये यह जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यह है वाला हिस्सा ये क्या होगा हमारा राइट right एट्रियम ठीक है दूसरी तरफ कौन सा होगा ये जो हमारा भाग है ये कौन सा भाग है यह भाग हमारा कहलाएगा लेफ्ट एट्रियम आपको क्लियर विजिबल हो रहा है चलिए अब देखिए यह हमारा राइट right एट्रियम हो गया यह हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया इसी के नीचे ये जो भाग है यह भाग क्या कहलाएगा यह भाग होगा हमारा राइट right वेंट्रिकल कौन सा भाग होगा राइट वेंट्रिकल का भाग होगा यानी कि ऊपर का तो कैसा हो गया आलिंद हो गया और नीचे वाला भाग निलय हो गया ठीक अब ये लेफ्ट एट्रियम है तो यहां पर ही क्या ये भाग कौन सा होगा यहां पर जो इसका ये भाग होगा यह इसका लेफ्ट वेंट्रिकल होगा क्लियर ये हमारे क्या हो गए चार कक्षी हो गए चार चैंबर हो गए ठीक अब हमें पता है कि जो हमारा राइट एट्रियम है उसके अंदर क्या आएगा हमारी संपूर्ण शरीर का अनाक्षिकृत रक्त आएगा यानी कि डिऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आएगा अब ये कहां कहां से आएगा याद कीजिए पिछली कक्षा में हमने बात करी थी कहां से सुपीरियर वेना केवा से

केवा तो ये हो गई हमारी एस तो ऊपर का जितना भी अनाक्षीकृत रक्त है वो कहाँ आ रहा है इस सुपीरियर विना केवा के अंदर आ रहा है और इससे ये कहाँ जा रहा है इस राइट एट्रियम वाले भाग में जा रहा है यानी कि दायां जो आलिंद है इसके अंदर ये प्रवेश कर रहा है ठीक अब देखिए यहाँ से तो क्या हो गया हमारा जो अपर रीजन का ऊपर वाले भाग का जो, जो अनाक्षीकृत रक्त है वो राइट एट्रियम में आ गया ठीक अब साथ ही साथ क्या है हमारे शरीर का जो लोअर पोर्शन है जो नीचे का भाग है वहां से भी तो हमें अनाक्षिकृत को इकट्ठा करना है तो यह अनाक्षिकृत कहां से आएगा यह आएगा हमारी इस वेंट्रिकल से यानी कि सॉरी इस वेना कावा से वेंट्रिकल से नहीं इस वेना कावा से तो इस वेना केवा को हम क्या बोलेंगे यह वेना केवा है हमारी इंफीरियर वेना केवा तो इसको क्या बोलेंगे हम आईवीसी तो ये क्या हो गए इन्फीरियर वेना केवा और ऊपर कौन सी थी हमारी सुपीरियर वेना केवा ध्यान से समझिएगा सुपीरियर वेना केवा के थ्रू कौन सा ब्लड आया हमारा डी ऑक्सीजनेटर हमारे शरीर के ऊपर के भाग से और जो निचला हिस्सा है कमर से नीचे का जो हिस्सा है ठीक है चेस्ट से नीचे का जो हिस्सा है इस हिस्से से जो अनाक्षीकृत रक्त है पूरे शरीर में क्या है आकसीकृत और अनाक्षिकृत रथ है तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे अनाक्षिकृत रक्त का आना है तो अनाक्षिकृत रथ किससे आ रहा है सुपिरिया वेना का से ऊपर भाग से और इन्फीरियर वेना के से आ रहा है शरीर के लोअर पार्ट से यानी कि नीचे के भाग से क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है अब देखिए शरीर का संपूर्ण शरीर का रक्त तो आ गया कहां आ गया इस राइट वाले चैंबर के अंदर आ गया अब जब इस राइट चैम्बर में रक्त आ गया तो यहां पे हृदय जो कार्य कर रहा है किसका पंपिंग का हृदय क्या है हमारा एक पंपिंग पंपिंग है अब इस पंपिंग को भी तो रक्त की आवश्यकता पड़ती है 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 ना तो इसके अंदर भी क्या है? कुछ जो इसका अनाक्षिकृत रक्त है वो हमें कहां से मिलेगा इसके भीतर क्या उपस्थित था कोरोनरी साइनस ठीक है बिल्कुल तो हम कह सकते हैं कि इस जगह पर यहां कहीं ठीक है ये कोरोनरी साइनस है सॉरी यहां नहीं ये यह यहां पर इस जगह मान लीजिए आप ये कोरोनरी साइनस है तो यहां की जो ओपनिंग है इस ओपनिंग से क्या हो रहा है कि जो हृदय का जो अशुद्ध रक्त है या डीऑक्सीजनेट रक्त है या अनाक्सीकृत रक्त है वो कहां आ रहा है इस राइट एट्रिया में आ रहा है तो हम इसे क्या डिनोट कर सकते हैं हम इसे यहां पर डिनोट कर देंगे कोरोनरी साइनस कोरोनरी साइनस ठीक है तो ये कौन सा हिस्सा हो गया कोरोनरी साइनस का भाग होगा हो गया क्योंकि यहां पर क्या है ब्लड हृदय का यहां आ रहा है अब देखिए शरीर के संपूर्ण का पूर्ण शरीर का यहां पे जो रक्त है वो कहा इकट्ठा हो गया इस राइट एट्रियम में इकट्ठा हो गया आई बात समझ में अब देखिए इस राइट एट्रियम में जैसे इकट्ठा हुआ तो इसमें यहां पर नीचे की तरफ क्या होते हैं वाल प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से वाल ठीक है अब देखिए यहाँ पे जो कोरोनरी साइनस है ठीक

इनी के नीचे की तरफ जब राइट एट्रियम में पूरा अनाक्षिकत रक्त भर गया है तो यहां पर भी एक वाल प्रेजेंट होता है ठीक है? है? है, 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 है क्या बोलते हैं हम कहते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं तीन कस्प यानी हम कहते हैं कि है, तो यहां पर जो वाल्व उपस्थित है इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं ये वाल्व हमारा कहलाता है ये जो वाल्व है आपका ये वाल्व हमारा कहलाता है ट्राइकास्पिड वाल्व स्पिड वॉल्व क्यों अब इसको हमने क्यों बोला क्योंकि यहां पे क्या होता है कि तीन तरह के कस्प प्रेजेंट होते हैं यानी कि तीन तरह के ऐसे उभार होते हैं कुछ इस तरह से जैसे मान लीजिए आप ये वॉल्व है, है? है इसके भीतर ऐसे तीन कस्प प्रेजेंट है कुछ इस तरह से ये ये देखिए तो एक दो तीन ठीक है तो तीन कस्प प्रेजेंट हो गए तो इसलिए हमने इसको क्या कहा हमने इसे ट्राइकास्पिड वॉल्व कहा ठीक है बच्चों

अब वेंट्रिकल कहना जब सारा रक्त इकट्ठा हो गया तो यहां पर क्या होता है कंट्रैक्शन होता है कैसा यहां पर कंट्रैक्शन होता है और ये जो कंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से जो ब्लड है जो अशुद्ध रक्त है वो कहां जाता है सीधे के सीधे हमारे इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ठीक है ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसे हम क्या कहेंगे ये जो भाग है ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी ठीक है और इसकी जो पास में आपको दिखाई दे रही है ये ये क्या है ये हमारी सिस्टमिक आर्टरी इसे हम क्या बोलेंगे ये है हमारी सिस्टमिक आर्टरी ठीक है समझिएगा अब यहां पर क्या हुआ जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो कॉन्ट्रेक्शन होने के साथ साथ ही यहां पर जो ब्लड का फ्लो था यानी कि जो डी ऑक्सीकृत रक्त था वो कहा गया वो इस पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पहुंचा सीधे हमारे लंग्स के अंदर तो ये कहा जाएगा ये जाएगा लंग्स के अंदर ठीक लंग्स में क्या होगा लंग्स कार्य कर रहा है प्यूरिफिकेशन सेंटर का प्यूरिफिकेशन सेंटर से हमारा क्या मतलब है हमारे लंग्स में ये जैसे ही डिऑक्सीकृत रक्त गया तो लंग्स में क्या होगा इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी और ऑक्सीजन मिक्स होएगी तो ये कहां आएगा वापस से ये में आएगा ठीक तो जब इसमें ऑक्सीजन मिक्स हुई तो ये कहा पहुंचा ये पहुंचा सीधे के सीधे हमारे लेफ्ट वाले एट्रियम वाले भाग में ठीक किसके थ्रू थ्रू पल्मोनरी के, के तो देखिए पे क्या होता है कि दो तो ओपनिंग होती हैं कौन कौन सी ओपनिंग होती हैं ये जो ओपनिंग है ये आपको इस तरफ जो ओपनिंग दिखाई दे रही है इस तरफ जो दोनों ओपनिंग दिखाई दे रही है ये क्या है पल्मोनरी वेन है क्या है पल्मोनरी वेन तो इसको हम क्या बोलेंगे ये हो गए हमारी पल्मोनरी वेन क्या आ रही है लेकृ रक्त को लेकर आ रही है क्योंकि इसका प्यूरिफिकेशन कहां हो गया हमारे लंग्स के भीतर हो गया आई बात समझ में देखिए यहां यहां पे ओपनिंग है यहां से रखता है से ये जो आपको दो ओपनिंग दिखाई दे रही है ये दोनों इसकी ओपनिंग है और ये दो दोनों हैं इनकी ओपनिंग पल्मोनरी वेन की यहां पर उपस्थित है तो ये जो दोनों ओपनिंग है यहां से शुद्ध रक्त कहां गिरा सीधे के सीधे हमारे लेफ्ट एट्रियम वाले भाग के अंदर गिरा ठीक अब इसके अंदर भी क्या है ठीक है तो वहां यहां पे लंग्स का हुआ तो यहां से देखिए अब देखिए यहां पे जो रक्त आया है तो ये वेन के थ्रू ये कहां से आया देखिए यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही लंग्स हुआ ये यहां आया, ब्लड इकट्ठा हुआ इकट्ठा होने के साथ साथ यहां पर भी क्या था एक वाल प्रेजेंट था ठीक है एक उभार था एक वाल्व था इस वाल्व को हम क्या बोलेंगे यहां पर जो आपको बीच में ये वाल्व दिखाई दे रहा है इस वाल्व को हम बोलते हैं बाइक स्पीड वाल क्या बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व या इसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व मिट्रल वाल्व ठीक है अब बाइकास्पिड वाल्व क्यों बोलते हैं क्योंकि यहां पे क्या है इसमें दो कस्प प्रेजेंट है ठीक है और जो ट्राइकास्पिड वाल्व था उसके अंदर तीन कस्प प्रेजेंट थे इसलिए हमने उसको ट्राइकास्पिड वाल्व कहा जो ये बाइकास्पिड वाल है इसमें दो कस प्रेजेंट है तो इसको हमने बाइकास्पिड वाल कहा अब आप सोचेंगे सर मिट्रल वॉल क्यों कहा तो होता क्या है बच्चों देखिए आपने जो चर्च के जो पादरी होते हैं आपने उनकी कैप देखी है उनकी कैप किस तरह से होती है उनके कैप के नाम से ही इसका नाम मिट्रल वॉल पड़ा है ठीक कैसे जो चर्च के पादरी होते हैं उनकी कैप कुछ इस तरह से होती है आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से जो है उनकी कैप होती है देखिए कभी आपने चर्च के जो पादरी होते हैं उनकी तो उनकी जो कैप होती है ना वो इस तरह से होती है कुछ ठीक है ये आई बात समझ में चलिए तो आप बेसिकली ये ध्यान रखिए आपको ये पता होना चाहिए यानी कि इसमें दो कस्प उपस्थित है तो दो कस्प उपस्थित तो हमने इसको क्या कहा बाइक वाल्व कहा आगे बात यहाँ तक समझ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं जैसे ही सारा यहां पे रक्त इकट्ठा हुआ सेम कंडीशन होगी क्या होगा जैसे ही यहां पे रक्त इकट्ठा हुआ तो दबाव बना दबाव बनते ही यहां पे जो वाल्व है उस पर प्रेशर बना दबाव बना जैसे ही दबाव बना तो ये क्या करा ये खुल गया जैसे ही ये खुला तो जितना भी आक्सीकृत रक्त था वो कौन से भाग में आ गया इस वेंट्रिकल वाले भाग में आ गया ठीक है अब आप देखिए इस जो वेंट्रिकल की वाल है आपको ज्यादा थिक दिखाई दे, रही है, मोटी दिखाई दे रही है जबकि इस तरफ के भाग को आप देखेंगे तो ये कैसी है पतली भित्ती है ठीक इसकी मोटी है है कारण ये है कि यहां पर पे मोटी होने का कारण यह है कि जिस वेंट्रिकल है इस वाले भाग को क्या करना है जितना भी आत रक्त है उसको पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित करना है पूरे शरीर तक इसको ले जाना है तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये चैम्बर कौन सा होगा ये सबसे बड़ा चैंबर होगा ये वाला जो वेंट्रिकल भाग होगा जो शुद्ध रक्त लेके आ रहा है ठीक है ये सबसे बड़ा भाग होगा क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा ज्यादा करके करके हाई करके, प्रेशर से इसको क्या करना पड़ेगा पूरे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह करना होगा तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें जो मिट्टी होती है वो मोटी होती है आई बात समझ में इसमें से भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट चीज आपसे यहाँ पे वाल्व के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि जो आपका राइट right एट्रियम और राइट right वेंट्रिकल के मध्य में जो वाल्व उपस्थित होता है उस वाल्व को हम किस नाम से जानते हैं तो वो है हमारा ट्राइक वाल्व वाल क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें तीन तरह के कस्प उपस्थित होते हैं तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे ट्राईकास्पिड वाल्व बोलते हैं ठीक है और ये किसके थ्रू जाता है ये जाता है हमारी पल्मोनरी ये जा रहा है हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू

आप मान लीजिएगा ये जो वॉल है इस वॉल को हम बोलते हैं ये मैं एरो का निशान बना रहा हूं यहां पे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है इस एरो से इस एरो का तो ये जो यहां पे वॉल प्रेजेंट है दोनों ठीक ये जो दोनों वॉल प्रेजेंट है इन वॉल को क्या बोलते हैं हम सेमी सेमील्यूनर वॉल क्या बोलते हैं बच्चों से हम सेमी सेमील्यूनर वॉल ठीक है क्लियर यहां तक अब देखिए ये जो सेमी सेमील्यूनर वॉल है दोनों पे प्रेजेंट है तो जैसे ही यहां पर

समझिएगा बात को जल्दीबाजी कोई नहीं है जैसे ही यहां से ब्लड गिरा तो ये वाल ओपन हुआ इस ब्लड अंदर आया यानी कि रक्त नीचे आया जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ रक्त आ गया पूरा तो ये बंद हो गया ठीक है ये बंद हुआ तो यहाँ का जो वाल है वो ओपन हो गया क्योंकि यहां पे प्रेशर जनरेट हुआ दबाव पड़ा तो ये जो अनासी रक्त है वो कहा गया ये इस वाली आर्टरी में गया ठीक कहां तक पहुंचा लंग्स तक गया तो यहां पर भी बैक फ्लो ना हो इसलिए क्या है यहां पे एक वाल प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं सेमी सेमील्यूनर वाल्व बोलते हैं आई बात समझ में चलिए ठीक अब यहां से जो ब्लड है कहां पहुंचा पूरे शरीर के द्वारा जो सिस्टमिक आर्टरी है उसके द्वारा किस कहां तक पहुंचा दिया गया हमारे बॉडी के हमारे शरीर के हर एक अंग तक हमारे जो ब्लड है वो परिसंचरण हो गया तो ये कंप्लीट क्या होगा इस तरह से रक्त का परिसंचरण हमारे शरीर में हो जाता है ठीक अब देखिए मेन बात इसके अंदर यहाँ पर होता क्या है कि जो वाल्व है ठीक है ना अब ये वाल्व जब यहां से रक्त नीचे गिरता है तो ये जो वाल्व है यहां पे प्रेशर है ठीक नीचे प्रेशर है कॉन्ट्रेक्शन होगा तो इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रेशर की वजह से ये वाल्व है ये ऊपर की तरफ सर सकते हैं ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं ना भाई प्रेशर तो कुछ भी है अगर प्रेशर यहां जनरेट हो रहा है तो ये वॉल अगर ओपन है

तो यहां पे क्या होती है कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से उभार लिए हुए ठीक है ये जो मसल्स होती है ना ये मसल्स इन मसल्स को क्या बोलते हैं इन मसल्स को बोलते हैं हम पेपिलरी मसल्स पेपिलरी मसल्स ठीक है ये जो पेपिलरी मसल्स है साथ में ये जो नोच दिखाई देती है ये हमारा नोच वाला जो हिस्सा होता है यहां पे इस नोच वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं ये कहलाता है हमारा फिशर ठीक तो ये जो पेपिलरी मसल्स हैं इसी के साथ साथ ये धागी नुमा संरचना क्या होती है इनसे जुड़ी रहती है ठीक है कुछ इस तरह से ये देखिए है।, है ना तो ये जो धागे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? इससे जुड़ी हुई है तो इसको क्या बोलते हैं ये धागी नुमा संरचना इसको हम बोलते हैं कौडा टेंडिनी क्या बोलते हैं कौडा टेंडनी ये क्या करती है ये दोनों हिस्से जो इसका एक हिस्सा यहाँ वाल्व का एक हिस्सा यहाँ है ठीक है ठीक और बीच का एक हिस्सा जो क्योंकि तीन कस्प होते हैं तो ये तीन तरह से इस तरह से

ये समझिए आप ठीक है अब ये चैम्बर बना हुआ है ठीक तो यहाँ पे क्या है एक धागा यहाँ जुड़ा हुआ है एक धागा यहाँ जुड़ा हुआ है और एक धागा जुड़ा हुआ है ठीक है तो अब तीनों धागों को हमने क्या किया कस के पकड़ लिया इस जगह पर ठीक है तो जैसे क्या होगा ब्लड का फ्लो बढ़ा इस एरिया में तो ये क्या होगा ये खिंचा रहेगा तो ये ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करेगा अगर ये खिंचा हुआ नहीं होगा तो क्या हुआ ब्लड का प्रेशर बढ़ा प्रेशर बढ़ती है तो वाल भी ठीक तो क्या होगा ये ऊपर की तरफ ना सरक जाए ऊपर की तरफ सरका तो इसके अंदर क्या होगा जो अशुद्ध रक्त है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसी वजह से क्या है नेचर ने इसमें कौडा ने दिया है एक धागे नुमा संरचना है जो क्या कर रही है इन जो वाल्व है ट्राइका स्पीड वाले इसको होल्ड करे हुए ताकि ऊपर की तरफ लिफ्ट ना कर जाए आई बात समझ में